मंच व्यवस्था देखने वाले वॉलेंटियर्स से अनुरोध करूंगी कि जल्द से हमारी अगली प्रस्तुति के लिए मंच को व्यवस्थित कर दें। अगली प्रस्तुति श्रीमती रंजना झा, जो मिथिला की बेटी है, हमारे बिहार की बेटी है और लगातार इस क्षेत्र में, चाहे वो शास्त्रीय गायन हो, उपशास्त्रीय गायन हो, सुगम संगीत और लोक संगीत, हर एक क्षेत्र में इन्होंने अपनी दक्षता हासिल करते हुए लोगों के बीच अपनी गायकी से अपने लिए जगह बनाई है। और ये जगह सिर्फ बिहार के लोगों के दिलों में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट मंचों पर इन्होंने अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। और अभी 21 और 22 दिसंबर को वो नई दिल्ली में थी, जहां मैथिली भोजपुरी अकादमी द्वारा आयोजित विद्यापति समारोह में वो शिरकत कर रही थी। और 50वां स्वर्ण जयंती समारोह मिथिला संघ द्वारा तालकटोरा में आयोजित की गई थी, जहां ये अपनी प्रस्तुति देकर पुनः इस समारोह में भाग लेने के लिए पटना वापस आई हैं। तो लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है रंजना जी का, और कई विशिष्ट मंचों पर ये कार्यक्रम देती हैं। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता गुरु श्री भागवत मिश्रा जी से ली, भागवत मिश्रा योगी जी, जो जाने माने लोक गायक, और उनसे इन्होंने लोकगीतों की विधिवत शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद गुरु श्री योगेंद्र भारती, जो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, उनसे आपने शास्त्रीय संगीत, साथ ही साथ पद्म विभूषण किशोरी अमोलकर जी से भी सीखने का आपको सौभाग्य मिला। तो कई गुरुओं का आशीर्वाद, कई गुरुओं का सानिध्य इनकी गायकी में एक अलग रंग भरने के लिए उनका आशीर्वाद इन्हें मिलता रहा। और लगातार रियाज और कार्यक्रम की प्रस्तुति से उस आवाज़ में दिन प्रतिदिन निखार आता रहा। और आज अपनी गायकी के कारण इन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया, और 2012-13 के लिए इन्हें गायकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार कला सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आप आकाशवाणी की भी हाई ग्रेडेड कलाकार हैं, जिसमें चुगली के लिए भी हाई ग्रेडेड हैं, सुगम संगीत के लिए भी हाई ग्रेडेड कलाकार हैं, साथ ही साथ लोक गायन के लिए भी इन्हें भी हाई ग्रेडेड श्रेणी से नवाजा गया है। कई सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है, मिथिला विभूति सम्मान, इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर जब भी इनका कार्यक्रम होता है, इनकी आवाज़ से लोगों के अंदर एक अद्भुत, कह सकते हैं कि एक अद्भुत रंग लोगों के अंदर भर जाता है। एक अद्भुत इनकी गायकी में तेज है, जो लोगों के दिलों में इनके लिए स्थान बनाती है, और कई संस्थानों ने इनकी उत्कृष्ट गायन शैली के लिए इन्हें कई सम्मानों से नवाजा है। आज इनके साथ मंच पर जो संगत करने वाले कलाकार हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि आप जल्द से जल्द आकर अपनी साजों को व्यवस्थित कर लें। तबले पर जाने माने बिहार के तबला वादक श्री राजशेखर जी, आप मंच पर आ जाएं और अपने साज को व्यवस्थित कर लें। बांसुरी पर युवा कलाकार मोहम्मद सलीम, जिसे बिहार सरकार ने वादन के क्षेत्र के लिए, बांसुरी वादन के क्षेत्र के लिए बिहार कला सम्मान से सम्मानित भी किया है। साथ ही साथ अभी विगत दिनों पूर्णिया में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव में बांसुरी वादन के लिए इन्हें प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। मोहम्मद सलीम बिहार के जाने माने बांसुरी वादक मोहम्मद सरफुद्दीन जी के ये बेटे हैं। मोहम्मद सलीम, आप मंच पर आ जाएं। गिटार पर रंजना जी के साथ संगत करेंगे श्री सूर्यकांत सिंह, वायलिन पर श्री आनंद कुमार मिश्र जी,
और परकशन पर है श्री रजनीश झा। सभी कलाकारों से निवेदन है कि आप आइए और जल्द से जल्द अपने साजों को व्यवस्थित कर लें ताकि हम रंजना झा को आप सबों के बीच आमंत्रित कर सके। दर्शकों को बता दें कि रंजना झा की प्रस्तुति के बाद एक और कलाकार हमारे बीच आएंगी, श्रीमती प्रभाती मुखर्जी, जो उपशास्त्रीय गायन की जानी मानी कलाकार हैं। आज आपके लिए वो ठुमरी और दादरा की प्रस्तुति करेंगी जो कोलकाता से आई हैं। हमारे संगीत पक्ष के कलाकार अपने साजों को व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं बता दूं कि आज रंजना जी इस खास मौके पर कुछ खास प्रस्तुतियां आपके लिए लेकर आई हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ वो शब्द से करेंगी, चूँकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के शुक्राना समारोह के उपलक्ष्य में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसलिए उन्होंने खास तौर से इस मौके के लिए एक शब्द से प्रस्तुति प्रारंभ करेगी, एक तैयारी की है। साथ ही साथ कुछ गजल, विद्यापति गीत, चूँकि मिथिलांचल से जुड़ी हुई हैं और विद्यापति गीत वो आपके लिए चुन कर लाई हैं, एक देशभक्ति गीत की भी वो प्रस्तुति करेंगी और सूफी और लोकगीत। तो कई रंग है इनकी प्रस्तुतियों में, कई चीज़ों को इन्होंने समेटा है कि संगीत के जो विविध प्रकार है गायन में, सभी को कार्यक्रम में बारी बारी से अपनी प्रस्तुति में वो लाएंगी और उनके कलाकार जल्द से जल्द व्यवस्थित हो रहे हैं। मैं बता दूं कि ये हमारा 4 दिवसीय आयोजन, जिसका शुभारंभ 22 दिसंबर को इसी मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटित किया गया और तब से लेकर आज 25 दिसंबर, आज बड़ा दिन, क्रिसमस का दिन, और इस दिन इस सांस्कृतिक आयोजन का समापन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के शुक्राना समारोह में, और कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार ने इस स्थल पर तो कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया ही गया है। और मैं लगातार बताते आ रही हूँ कि नृत्य कला मंदिर, जो भारतीय नृत्य कला मंदिर का प्रेक्षागृह है, वहाँ भी हमारे विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार नृत्य और गायन की प्रस्तुति लगातार कर रहे हैं। दो जगह, दो स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कला संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है और आज इस कार्यक्रम का समापन भी है, और समापन में एक से बढ़कर एक कलाकार हमारे बीच बारी बारी से आ रहे हैं मंच पर। हमारे संगीत पक्ष के कलाकार अपने साजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, और इससे पहले कि मैं रंजना झा को आपके बीच आमंत्रित करूं, मैं बता दूं कि बस कुछ ही दिन शेष रहे और है, इस याद को आप ज़रूर अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि 2017 के जनवरी महीने में प्रकाश पर्व का विधिवत शुभारंभ हुआ था और एक साल बाद, यानी एक साल भी नहीं हुआ, दिसंबर में हम लोग पुनः इसके शुक्राना समारोह में हैं। मैं रंजना झा को जल्द से जल्द बुला लूं। आप हैं रंजना झा, मैं उन्हें आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ, श्रीमती रंजना झा। जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, आप सभी संगीत के प्रेमी के साथ साथ सुधीर संगीतज्ञ भी हैं कुछ इसमें, और बहुत सारे विद्वान बैठे हैं। बड़ा सौभाग्य है मेरा आपके बीच कुछ सुनाने का अवसर मिल रहा है। बहुत आभारी हूँ कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मुझे भी सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पुनः पुनः सभी को मेरा प्रणाम, और इजाजत चाहिए कि मैं
कुछ सुनाता हूँ आपको। मेरा मुझ में कुछ नहीं।
पार्वती की माँ ने जब देखा कि हमारा दामाद कैसा है तो कहती है कि अगर ये दूल्हा होगा तो मैं आज अंगने में नहीं रहूंगी।
Thank you.
आशीर्वाद आशीर्वाद पर श्री रजनीश झा जी, मैं हमारे अपर सचिव महोदय
उप सचिव महोदय और श्रीमती विभासिना जी से आग्रह करूंगी आप तीनों मंच पर आए और हमारी रंजना झा जी को कला संस्कृति विभाग की ओर से आप उनका अभिनंदन करें, सम्मान करें। श्री आनंद कुमार सर, वियोगी सर और विभासिना जी विभादी आप तीनों मंच पर आ जाएं। ठुमरी और दादरा की प्रस्तुति लेकर कलाकार का सम्मान सचमुच हम सबके लिए बेहद खुशी का पल होता है। अपने ही घर में जब कोई किसी को सम्मान मिलता है वो सबसे खुशी का दिन होता है, वो गौरव का पल होता है, वो क्षण होता है। सचमुच बहुत अच्छी ये शाम गुजर रही है, ये जो सांगीतिक शाम है बहुत अच्छी, एक से एक बेहतरीन प्रस्तुति